नमस्कार, मैं आपके साथ प्रिया बंसल और आप देख रहे हैं राजस्थान चौक। भारत की मुख्य फिनटेक कंपनी डोगमा सॉफ्ट लिमिटेड का 14वां वार्षिकोत्सव दीप स्मृति ऑडिटोरियम में मनाया गया। डोगमा सॉफ्ट लिमिटेड डिजिटल इंडिया अभियान के तहत अपने 3 लाख फ्रेंचाइजी के माध्यम से ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में बैंकिंग और नॉन बैंकिंग सेवाएं उपलब्ध करवा रही है और लोगों के जीवन को आसान बनाने की ओर पिछले 14 वर्षों से अग्रसर है। वहीं साथ ही इस कार्यक्रम में संस्था से जुड़े हुए कश्मीर से कन्याकुमारी तक के लोगों ने शिरकत की। वहीं उत्कृष्ट कार्य करने वालों को सम्मानित करने के साथ साथ सांस्कृतिक कार्यक्रम की प्रस्तुतियां भी की गई थी। इसी के साथ कार्यक्रम में हरियाणा के मशहूर सिंगर अजय हुड्डा ने अपने लोकप्रिय गानों से दर्शकों को झूमने को मजबूर कर दिया था। इसी के साथ मुख्य अतिथि के तौर पर महिपाल सिंह, SDM सांगानेर, डॉक्टर शीनू झवर, सपना पूनिया, JP शर्मा, चीफ इन एडिटर समाचार प्लस और राजस्थान चौक के चीफ इन एडिटर सुशांत पारिक रहे। अब जानते हैं कि अतिथिगणों का क्या कुछ कहना है। बहुत ही अच्छा लगा क्योंकि ये कार्यक्रम, जैसे हम लोग गांव से, हम खुद भी गांव से बिलोंग करते हैं, तो ये एक प्रोग्राम है जो एक इंसान को जमीन से जोड़ के रखता है। क्योंकि इसमें जो इनकी सारी स्टोरी जो बताई गई है, तो उसमें सारा कुछ दिखाया गया है कि कोई भी आदमी छोटे सपने ना देखे, बड़े सपने देखे और उनको पूरा करने के लिए पूरी मेहनत करे। तो मुझे बहुत अच्छा लगा। गांव से आने वाले दो लड़के इतने बड़े मुकाम पर पहुंचते हैं, तो राजस्थान के युवाओं के लिए और कैसे प्रेरित है? सबसे पहले तो ये गांव से आए इसलिए कर पाए क्योंकि जैसे सुविधाओं का अभाव होता है तो उसके अंदर ललक ज्यादा होती है कि मुझे करना है। जैसे हमारे पास में सुविधाएं होंगी तो हमें उस चीज का अभाव खलेगा नहीं और हम आगे बढ़ नहीं पाएंगे। तो मैं जैसे सुविधाओं का अभाव रहा उसको लेके आज तक ये दोनों भाई यहाँ पहुंचे हैं और भी बहुत आगे पहुंचेंगे, मेरी शुभकामनाएं। क्या भविष्य देख रहे हैं? बहुत अच्छा है। जैसे 14 साल का इनका सफ़र बताया गया है उसमें जयपुर में भी इनकी काफ़ी जैसे बसें, सफारी, काफ़ी प्लेटफॉर्म लंबा चौड़ा, तो उसमें काफ़ी लोग इनसे जुड़े हुए हैं। डोगमा को एक परिवार की तरह जानते हैं, ना कि एक बिजनेस की तरह, ये सबसे बड़ी बात है। आखिरी सवाल, फिनटेक ये स्टार्टअप है, ऐसे फिनटेक स्टार्टअप को ऐसे जब मुकाम मिलता है तो और जो दूसरे स्टार्टअप है उनके लिए कैसी प्रेरणा होता है? बहुत अच्छी प्रेरणा है क्योंकि जैसे हमें कोई प्रेरणा दिखती है तब हम नया कोई काम शुरू करते हैं कि उसने भी बहुत अच्छी सक्सेस प्राप्त की है और बहुत अचीवमेंट्स प्राप्त किए हैं, तो ये नए जो स्टार्टअप लेते हैं उनके लिए बहुत ही अच्छी प्रेरणा है। मुझे जो जर्नी है डोगमा सॉफ्ट की वो जान करके बहुत ही अच्छा लगा कि कैसे हमारे राज्य के, हमारे देश के नवयुवक छोटे शहर से आकर भी और जो लोगों की प्रॉब्लम है वो समझ रहे हैं और हर छोटे शहर में जाकर के और वहाँ पर उनको रोजगार भी उपलब्ध करवा रहे हैं और उनकी मनी की ट्रांजैक्शन की प्रॉब्लम्स और कई सारी प्रॉब्लम्स एक ही प्लेटफॉर्म से सॉल्व करवा रहे हैं। तो जो टेक रेवोल्यूशन है एक तरीके से, वो दे आर ब्रिंगिंग अबाउट अ टेक रेवोल्यूशन इन इवन द स्मॉलर सिटीज ऑफ द कंट्री। ये इनकी पूरी जो जर्नी है देख के मुझे बहुत ही इंस्पायरिंग लगा और काफ़ी अच्छा लगा। मैं ये कहना चाहूंगी बात केवल राजस्थान की नहीं है, हर जो युवा है उसको इस जो पूरी जर्नी है उसे प्रेरणा ले लेनी चाहिए कि अगर वो कुछ प्रॉब्लम देखते हैं अपने आसपास, उस प्रॉब्लम का सलूशन भी उन्हीं के हाथ में है। किसी और की तरफ देखने के बजाय हम खुद सेल्फ रिलायंट होकर के क्या क्रिएट कर सकते हैं जो दूसरों के लिए एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट करे और उन्नति लेकर के आए, वो चीज़ करने के लिए हमें किसी की तरफ मुंह करके देखने की ज़रूरत नहीं है। अपने आप को रिलायंट करें, कोर्सेज करें, पढ़ें और प्रॉब्लम्स को सॉल्व करें। ये बहुत ही इंस्पायरिंग जर्नी है जो सभी युवाओं के लिए प्रेरणादायक है। काफ़ी सारे आयाम दे सकते हैं। सबसे पहले तो ये कि इकोनॉमिक बूस्टर है ये और जो नए बिजनेस मॉडल्स हैं उनकी तरफ एक तरीके से उनको शोकेस करता है। सब कुछ संभव है ये हमें बताता है और कोई भी चीज़ का जो स्केल है वो आप सोचिए कि राजस्थान से शुरू करके और ये पूरे इंडिया में इस चीज़ को लेकर के गए हैं। इनके खुद के भी एम्प्लॉयज़ हैं, फ्रेंचाइजी मॉडल भी है। इट शोज दैट स्केल इज रियली पॉसिबल इफ योर बिजनेस मॉडल एंड योर इंटेंशन इज राइट, बट हार्ड वर्क इज की। बिकॉज मैंने इनसे पूछा था फ्रॉम द फाउंडर्स, पवन जी से बात की थी, उन्होंने कहा कि आई आस्क्ड हिम
कि फिनेंशियल स्पेस में लोगों का ट्रस्ट जीतना बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके बिना छोटे शहरों में लोग आप पे ट्रस्ट करके एक नए प्रोडक्ट पे रिलाई नहीं करते। सो आई वॉज वेरी इंस्पायर्ड टू नो कि उन्होंने इतनी सारी जगह में पर्सनली ट्रैवल किया है एंड दैट इज हाउ ही हैज बिल्ड ट्रस्ट इन द कम्युनिटीज टू कम ऑन दिस प्लेटफॉर्म। सो हार्ड वर्क इज की। ऐसी और भी तमाम अपडेट्स और जानकारी के लिए आप बने रहिए हमारे चैनल राजस्थान चौक के साथ। इजाजत दीजिए, नमस्कार।